मैं आज रवात में जो मेरे पाकिस्तानी आज जमा हुए हैं, मैं पहले से सबको आप सबको सलाम करता हूं। और जो मेरी टीम है मार्च में जो निकली हुई है और हम कितने दिनों से ये मार्च कर रहे हैं, मैं आप सबको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इस मुल्क की तारीख में ये एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो कभी ऐसी नहीं हुई, कभी पहले किसी पार्टी ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की। और ये हमारी जो हकीकी आजादी की तहरीक है ये शुरू हुई थी 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश जिसके साथ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, क्योंकि कभी भी बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होती जब तक के अंदर से गद्दार मदद नहीं करते बैरूनी साजिश को कामयाब करने की। तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है जो मैंने इन 7 महीने में देखा। यानी नौजवान वो जो कि बच्चे भी थे, 12 साल 10 साल के बच्चे, मैंने इन सबको इसमें शिरकत करते देखा। मैं जब निकला लाहौर से तो सारा रास्ता मैंने ख्वातीन को देखा, पर्दादार ख्वातीन को मार्च के साथ साथ चल रही हैं बच्चे लेके अपने, छतों के ऊपर मैंने रास्ते में देखा छतों के ऊपर ख्वातीन खड़ी हैं दुआएं कर रही हैं। और लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि आजादी क्या है तो तब फिर वो खड़ा होता है अपनी आजादी के लिए। तो हमारी ये जो तहरीक शुरू हुई 7 महीने पहले, सारे पाकिस्तान में हमने जलसे किए और फिर लोगों ने कुर्बानियां दी इसमें 25 मई, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, 25 मई में जो हमारे साथ जुल्म किया गया, यही जो फैशिस्ट जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, जब हमें हटा के तो जो लोगों का हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान को 30 साल से मुख्तलिफ किस्म के तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना, लोगों को मरवाना, मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पूरा मन एहतजाज करने वालों को कत्ल करना, गोलियां मारना पुलिस के जरिए, पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना। ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है, किसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए। वो जो आबिद बॉक्सर है उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राणा सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता इसने कत्ल किए, सारा फैसलाबाद जानता है इसको, कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है। इन्होंने मिलके 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों के सामने यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए, कोई हर इस मुल्क के जो हकूक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में। और इन्होंने फिर जो औरतें बच्चे, यानी हमारी जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं कभी पाकिस्तान में ऐसे जलसे नहीं हुए, हमारी जो प्रोटेस्ट है जो एहतजाज है उनके पर फैमिलीज आती हैं, औरतें बच्चे आते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, इंग्लिश मीडियम से, उर्दू मीडियम से, दीनी मदरस, सारे लोग शिरकत करते हैं। और उनके ऊपर इन्होंने शेलिंग की, जुल्म किया, 2 लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए, जेलों में लोगों को डाला, FIR की बारिश हो गई, 23 FIR मेरे ऊपर काटी, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर। जब मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई, 2 फजल रहमान ने और 1 बिलावल ने, हमने तो कोई नहीं रोका, हमने कोई FIR नहीं काटी, हमने तो इनके सामने कंटेनर भी नहीं रखे। तो हमारे दौर के अंदर
पूरी तरह जो आईन और कानून इनको इजाजत देता था हमने वो किसी जगह इनको रोका नहीं। हमारे तो 25 मई को इन्होंने किया, उसके बाद एक खौफ की फजा बन गई, एक डर्टी हैरी आ गया इस्लामाबाद में। जो खौफ की फजा बनाई गई जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में, मैं जेल में गया, वहां मैंने ऐसा नहीं जुल्म देखा उसके दौर में। जो इन्होंने जिस तरह हमारे ऊपर जो स्टेट को पूरी तरह उसका जो जुल्म हमारे ऊपर किया, हमें ऐसे लगा हम पाकिस्तानी नहीं है। मैं जो जिसको ये कौम 50 साल से जानती है वो पाकिस्तानी 50 साल से जानती है कौम। हर किस्म का पाकिस्तान का सिविल अवार्ड मुझे मिला हुआ है दुनिया में। मुझे जानते हैं कि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता था। मुझे इन्होंने इस तरह रखा जैसे कि मैं कोई बैरूनी मुल्क का गद्दार हूं। जो मेरे नौकरों को इन्होंने एजेंसीज ने आके पैसे दे के उनको उनको अपनी तनख्वाह पे रखा, मेरे ऊपर कोई डिवाइस रखने के लिए, आगे भी इनके प्लान बने हुए थे नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे। उसके अलावा जो इन्होंने शहबाज गिल को जिस तरह एक एक कोई जुमला कह दिया पकड़ के, एक जुमला टीवी पे कहा, पहले तो टीवी बंद कर दिया ARY, उसके ऊपर उसका वो जो प्रोड्यूसर था उसको उठा के ले गए रात के 3 बजे। शहबाज गिल को नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। आजम स्वाति से क्या किया, 75 साल सेनेटर। ये हमारे मैं आप बता रहा हूं कि ये हमारी मुल्क की तारीख में कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। उसको ट्वीट के ऊपर मारा, पहले घर में उसके पोता पोतियों के सामने, फिर जाके नंगा करके उसको एजेंसी के हवाले किया जिधर उसको उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, और उसके बाद डराने के लिए कि उसका मुंह बंद हो जाए उसके मियां बीवी की एक कैसेट उसकी बीवी को भेजी। कभी मुल्क ऐसे नहीं गिरा। और सिर्फ बताने के लिए, कोशिश करने के लिए, हमें बताने के लिए कि जो तुम्हारे से बोलेगा हम तुम्हारे ये मिसाल बनाएंगे। और पैगाम भेजे गए आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा था तो उसे कहा कि ये इमरान खान से हम ये करेंगे, कि जिस तरह इमरान खान डर जाएगा और चुप करके बैठ जाएगा। और फिर मेरे ऊपर जो कातलियाना हमला किया गया, जो मुझे पहले से ही पता था कि तैयारी हो रही है, कि दीनी इंतहा पसंद ने जी इमरान खान को मार दिया, पहले किस एजेंसी ने वो वीडियो बनाई, इसलिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि किस कौन सी एजेंसी ने ये वीडियो बनाई, किसके कहने पे बनाई, कौन सा वो ऑफिसर था उसके कहने पे पहले वो बनाई गई, उसके बाद वो एक इनका पालतू कोई वकार सेठी या कुछ है उसने वो इनसे लिंक है। और मुझे पता था क्योंकि जब मैं वजीर आजम था मुझे पता था एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है। उसने फिर जाके उसको उठाया, फिर ये दोनों मरियम दोनों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर PTV पे 4 दिन प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर, सिर्फ बताने के लिए कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। और तैयारी ये कर रहे थे कि अब इसकी आड़ में एक दीनी इंतहा पसंद इसे मार देगा। मैंने ये 24 सितंबर को भी पब्लिक को बताया और फिर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को जलसों में बताया कि ये इनका प्लान बन रहा है। इस इंतहा पे कि कोई इस मुल्क के अंदर, जो मैं छोड़े कि मैं इमरान खान हूं, कोई भी दुनिया का मुल्क हो उसके अगर एक मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है, जो एक फेडरल पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, मुल्क की फौज नहीं इकट्ठा रख सकती, नहीं तो इस पाकिस्तान ने लैदा नहीं होना था। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, और जो पार्टी सारे मुल्क में वाहिद पॉलिटिकल फेडरल पार्टी है उसको खत्म करने की कोशिश की गई, हर कोशिश की गई उसे खत्म करने की। और ये कौन कर रहा था, क्या इसका मकसद था, इसके ऊपर मैं एंड में आऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की, उसके बावजूद हमने ये मार्च की। और हमने मार्च इसलिए की, पॉलिटिक्स के लिए नहीं की, ये सियासत के लिए नहीं हो रहा। मुझे 6 महीने में हर जगह पे, कई जगह के ऊपर मुझे लेटर आता था कि आप अगर इस जलसे में जाएंगे तो आपकी जान खतरे में है। कई जगह
चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजता था कि जी आपकी जान मुल्तान का जलसा ना करें, आपकी जान खतरे में, कई जगह आया है। इसका मुझे खुद पता था कि ये प्लान बना रहे हैं मुझे मारने का, उसके बावजूद मैं निकला। और आज इंशाल्लाह मैं अभी आपको डेट दूंगा एंड में कि मैं आ रहा हूं पिंडी। मुझे पता है कि अभी मेरी जान खतरे में है, सबको पता है, क्योंकि ये लोग जो जिन्होंने अभी कोशिश किया ये अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मुझे पता है जान खतरे में है। लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है, एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है। और खास तौर पे इन चोरों की गुलामी, ये जो 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, अब इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, इनकी गुलामी से या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे, उससे बेहतर है मर जाओ। मैं इसलिए निकल रहा हूं और मैं अपनी सारी कौम को भी कह रहा हूं कि देखें, आपने फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह चलना है, क्या इन चोरों के बाद जो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं और बच्चों ने जिंदगी में एक घंटा काम नहीं किया, उनका सिर्फ काम, उनको सिर्फ एक चीज आती है, मनी लॉन्ड्रिंग। वो छोटे छोटी उम्रों में वो अरबपति बन गए थे क्योंकि मां बाप ने उनके नाम पे या चोरी करके पैसा इनके नाम पे चीजें ली हुई हैं। ये जो चार लंदन में महंगे अरबों रुपए के मेफेयर के जो अपार्टमेंट्स हैं, ये मरियम के नाम पे तब थी जब ये कोई 20-21 साल की थी। और ये जो उसका बेटा है हसन शरीफ, 10 अरब रुपए का घर बेचा है इसने लंदन के अंदर, किधर से पैसा आया? तो ये सारे बच्चे शुरू में ही, ये जो तैयार कर रहे हैं बच्चे, इनकी ये खासियत है कि ये मनी लॉन्ड्रर्स है सारे। वो बिलावल, अब बिलावल मैं आपको ये बताऊं कि सियासत में तो इसका कोई मुस्तकबिल ही नजर आ रहा, उर्दू अभी तक सही तरह बोला नहीं है, यानी हर दफा उर्दू बोलता है तो और लोगों को समझ नहीं आती क्या क्या रहा है। लेकिन इसका मैं आज आपको पेशन गोई करता हूं, इसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस पे लगेगा कि इसके बाप ने चोरी करके पैसा दुनिया में किधर किधर रखा हुआ है। यह अब ढूंढता फिरेगा कि उसके बाप ने चोरी का पैसा किधर किधर रखा हुआ है। तो इनके नीचे अगर ये कुछ समझता है कि ये एक अजीम कौम इनकी गुलामी करेगी, ये कौम कभी ये तस्लीम नहीं करेगी इनको। इसलिए ये मार्च है, और ये जो हकीकी आजादी की मार्च है ये अभी खत्म नहीं होगी। मैं आखिर में बताता हूं कि हमने किस दिन क्या करना है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये मार्च, ये जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद नहीं करते हम नहीं रुकेंगे। आप तो हकीकी आजादी की मैं सारी कौम को याद करा दूं, दो उसके सुतून हैं जिसके ऊपर हकीकी तौर पे कौम आजाद होती है। सबसे पहला, कौम के फैसले कौम में हो, किसी और कौम की गुलामी ना करें। हम किसी सुपर पावर की गुलामी ना करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे के ऊपर बना था पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह एक दावा है कि मैं आजाद हूं, मैं सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता हूं, बाकी मैं आजाद हूं। एक खुददारी का यह दावा है, एक कौमी गैरत का दावा है। ये नहीं होता कि वहां जाके दुनिया के बाहर चक्कर मारो और हाथ फैला के कहो कि मैं मांगने तो नहीं आया, मैं मजबूर हूं। इसलिए तो ये नहीं मुल्क बना था। इसलिए तो कायदे आजम, जब उनको पता भी था कि उन्होंने जिंदा नहीं रहना ज्यादा देर, पता ही नहीं चलने दिया अपनी बीमारी का कि कहीं पाकिस्तान कोई रुकावट ना आ जाए पाकिस्तान ना बनने में। ये वो कुर्बानी थी। हम बड़े हो रहे थे जमान पाक में, तो वहां इतने लाखों लोग हिंदुस्तान से जो आए थे, कोई शायद ही कोई था जिनके घर में कत्लेआम ना हुई हो। तो ये तो कुर्बानियों के नाम पे बना था। इसलिए नहीं बना था कि हम अंग्रेज से आजाद होके तो अब हम किसी और सुपर पावर की गुलामी करें। लिहाजा एक हम मुल्क चाहते हैं जो सॉवरन हो, कौम के फैसले कौम में हो। और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो,
आजाद फॉरेन पॉलिसी, मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे, हम तुम्हारे हमारे तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है, हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा, हमने भी वही किया था। लेकिन ये जो गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं, जो साजिश के तहत आए हैं, 7 महीने हो गए, इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में, यानी लोग डूब गए हैं, लेकिन इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया क्योंकि जो इनके इनका जो आका है वो नाराज ना हो जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर कभी भी हम कोई भी जो फैसले करें उसकी नंबर वन चीज होनी चाहिए कि क्या मेरी कौम का इसमें फायदा है या नहीं है। हमारी कौम का फायदा नहीं था जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की और 80,000 अपने लोग मरवा लिए, ये हमारी कौम के मुफाद में नहीं था। लेकिन ऊपर जो सरबरा बैठा था वो प्रेशर ही नहीं ले सका, घुटने टेक दिए, और ये जो जरदारी और नवाज शरीफ आए ये और ज्यादा उनके सामने लेट गए। 400 ड्रोन अटैक हुए इनके दौर में, 400 ड्रोन अटैक। कभी दुनिया की तारीख में मुझे एक मिसाल बता दें कि आप जंग किसी की लड़ रहे हो और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहा हो, एक दुनिया में मिसाल नहीं है। क्योंकि ये कोई मुल्क की आजादी के लिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये दो खानदान का इंटरेस्ट ये है कि पैसे कैसे बनाने हैं, मुल्क से बाहर कैसे लेके जाने हैं, और फिर उस पैसे को बचाना एनआरओ के जरिए क्या है, और फिर अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो फिर आगे चलते जाए, इससे आगे इनका इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान नीचे जाता है, पाकिस्तान का दिवालिया निकलता है, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके पैसे डॉलर्स में बाहर पड़े हैं, अगर रुपया गिरेगा भी तो इनका तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी। तो इनका मफाद तो ये नहीं है कि पाकिस्तान एक आजाद खुददार कौम बने, इनका तो ये है कि ये इक्तदार में कैसे रहे और पैसा कैसे बने और बचाए कैसे। सो सबसे पहले हम ये कभी इस मुल्क को जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े हैं, देखिए कौमें कुर्बानियां देके आजाद होती है, मैं बार बार आपको कहता हूं, कौम जब इकट्ठी हो जाती है फैसला कर लेती है कि हम एक खुददार कौम होंगे, अब अपने पैर पर खड़े होंगे, वो कौम खड़ी हो जाती है अपने पैर पर। लेकिन जब एक कौम की साहिब इक्तदार वो चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पैसा भेजें, अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, और फिर जब आप मकरूज हो जाते हैं क्योंकि डॉलर जब आप बाहर भेजते रहते हैं और आप पॉलिसी सही बनाते नहीं हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते नहीं हैं, इंसाफ का मतलब क्या? मैं फिर यह आपको समझा दूं, कानून के सामने सब एक बराबर। इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होता माशरे में तो जो कमजोर होता है वो ताकतवर का गुलाम होता है। जो जंगल का कानून है, जंगल के कानून के अंदर इंसाफ नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। जो ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म करता है, वो तो कमजोर को कोई बचाने के लिए नहीं आता। तो जब इंसानी माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता वो जंगल का कानून बन जाता है। इसका एक नाम दिया हुआ दुनिया ने, बनाना रिपब्लिक, वो बनाना रिपब्लिक बन जाता है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। ये हमारा उससे भी बड़ा मसला है, पहले से भी बड़ा मसला कि यह इंसाफ ही नहीं है। हमें मिसालें आप बार बार हर रोज देता हूं कि आजम स्वाति को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, पाकिस्तान के सेनेटर को, एक आदमी जो अपनी सारी कमाई बाहर करता है और पाकिस्तान कमाई लेके आता है, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, उससे जुल्म की इंतहा होती है। अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता, सारी पाकिस्तान की सहाफी बरादरी को सोचना चाहिए, और मुझे मैं थोड़ा मायूस भी हूं अपनी सहाफी बरादरी से कि जो अरशद शरीफ से हुआ है, औरों से भी हुआ है, लेकिन जो अरशद शरीफ से हुआ, अगर आप इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेंगे, और आपको स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह उसके ऊपर FIR काटी गई, जिस उसके ऊपर धमकियां दी गई, वो साजिश सामने लेके आ रहा था, अरशद शरीफ क्या कर रहा था,
वो साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है, तो उसके बावजूद कि वो सच और राय हक पे खड़ा था, उसको धमकियां मिल रही थी, उसको जान की फिर धमकी दी गई। जब वो उस और इसकी इसके घर वालों को सब पता है, अरशद शरीफ की वालदा को सब पता है कौन धमकियां दे रहा था, और आखिर में वो जब मुल्क से बाहर गया और फिर पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की, वो कीनिया गया और जो उसको शहीद किया गया। ये अगर अरशद शरीफ नंबर वन पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर उसको मार सकते हैं और कोई फिर पूछने वाला नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नजर आ रही क्यों होगी, सही माने में किसी को इत्माद नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ताकतवर दूसरी तरफ है, और सबको पता है इस मुल्क में कि जब ताकतवर के सामने एक कमजोर खड़ा होता है इंसाफ नहीं मिलता। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, पुलिस वाले कहते कि जी हम हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले कहते जी अगर आपने मेरे से मुझे मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं नहीं ये कर सकता, क्योंकि ताकतवर था दूसरी तरफ, डर्टी हैरी, उसका नाम सुन के सारे डर जाते थे। ये भी तैयार हो गए कि हां जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर देंगे और जो वो है दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर उसके खिलाफ भी, लेकिन ये कोई खास है कि इसको हम नहीं कुछ कर सकते, ये कोई ऐसी ताकत वाली चीज है, ये कानून के ऊपर है, इसको लाइसेंस टू किल है, ये जो भी करेगा हम इस मुल्क का कानून इसको नहीं पकड़ सकते। तो ये बात मेरी नहीं है, अब ये अब सबकी है, सारी कौम की है, कि अगर ये ऐसे मुल्क चलाना है, ये मुल्क हम जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी टैलेंटेड पाकिस्तान हो जाए, हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाए, ये मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल है, और मैं ये बार बार अब से नहीं 26 साल से ये बता रहा हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और अगर आपने देखना है नहीं चलते हुए, तो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब मुल्क देख लें, जिनको डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं वो सारे गरीब मुल्क हैं, एक एक गरीब मुल्क आप जाके देख लें, सब यही हाल है। उधर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, शरीफ और जरदारी खानदान चोरी करते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, उनका इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। उधर भी डर्टी हैरी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो कि इतने तकड़े हैं, सब डरते हैं उनसे, उनको वो जो मर्जी करें कर सकते हैं, कानून के ऊपर है वो। और दूसरी तरफ सारे अमीर मुल्कों में चले जाए, दुनिया के सारे पैसे वाले मुल्कों पर चले जाए जिधर खुशहाली है, जिधर हमारे पाकिस्तानी इतनी कोशिश करते हैं यहां से वीजा लेके बाहर जाने के लिए, हमारे नौजवान तरसते हैं कि हम किसी तरह बाहर चले जाएं, क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि वहां खुशहाली है। तो खुशहाली की बुनियाद किस पर रखी गई है, इंसाफ के ऊपर, वहां सबसे बड़ी चीज इंसाफ है। आप मैं जब बरतानिया में गया तो वहां आपको कोई कब्जा ग्रुप नहीं नजर आता, किसी की जमीनों पर कब्जे किसी की जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि अदालतें इंसाफ करती हैं। वहां आप अगर कोई ताकतवर ये समझता है कि वो कानून तोड़ेगा और वो बच जाएगा, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीतने वाला बोरिस जॉनसन एक कानून छोटा सा तोड़ता है, यह खबर भी नहीं बननी थी पाकिस्तान में कि वो एक लोग ऑफिस के लोग जमा हो जाते हैं, जब वो कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग थी, उस चीज के ऊपर वो रिजाइन कर देता है क्योंकि उसने कानून तोड़ा है जो लोगों के लिए बनाया हुआ था। वहां इंसाफ का निजाम ऐसा है कि हर जो कमजोर से कमजोर आदमी भी है उससे पता है कि मुझे तहफ्फुज़ मिलेगा, क्योंकि जो उनकी अदालतें हैं, जो उनका इंसाफ का निजाम है, वो उनके हकूक की हिफाजत करता है। हमारा मैंने आपको अपनी मिसालों को दी, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मेरे ऊपर ये जियो ने ये जो घड़ी की सारी कहानी और पीछे इसके सारे नून लीग और डर्टी हैरी भी था, इन्होंने कहानी बनाई मेरे ऊपर कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया। अब मुझे अगर मुझे पाकिस्तान की, मैं केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में
मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बर्तानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील रहमान इसका जो ये जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां, मुझे पता है कि इसने जो मेरी मेरे ऊपर ये जो ये मेरी इज्जत की तौहीन की है, मुझे पता है कि वहां उनकी अदालतों में, क्योंकि मेरा केस लड़ा हुआ हूं वहां, बहुत बड़ा केस हुआ था मेरा और इयान बोथम का बर्तानिया की अदालत में, वो मेन हेडलाइंस केस था, 3 हफ्ते वो केस चला था, मुझे पता है वहां अदालतें कैसे चलती, और वो भी यही था, हरजाना का केस था, तो मुझे तो पता है वो कैसे चलता है। और मुझे पता है कि जो अब इन्होंने जो किया है, इसके ऊपर जो हरजाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा, और मैं इसलिए चाहता हूं कि हमारे हमें भी यहां देखना चाहिए, हमारी अदालतों को भी, कि हम क्यों ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं लोगों की इज्जत की हिफाजत कर सकते, क्यों एक मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह गंद उछाला जाए, किसी के ऊपर भी, किसी इंसान पर भी, लेकिन यहां तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। और यह है, इसको मैं कहता हूं क्यों वो खुशहाल है मुल्क, क्योंकि आप और तो छोड़े ना दुनिया में सरमायाकार, जो आपके पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की बिजनेस आज मगरब में है, जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है, जो दुबई में है, आप उनसे पूछे ना पाकिस्तान आगे क्यों नहीं सरमायाकारी करते, हमारा 1 करोड़ है पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ, अगर 5 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करनी है, आप ये यकीन दें, यकीन से मैं आपको कहता हूं कि यहां इतना डॉलर आ सकता है पाकिस्तान में कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहां पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी शुरू कर दें, हमें कोई मसला ना हो कि हम भागे फिर रहे हैं, कभी यहां पैसे मांग रहे हैं या हमारे रुपया गिर रहा है, लेकिन वो आते क्यों नहीं है, उनसे पूछें कि क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करते। सबसे बड़ा मसला ये होगा, एक अंग्रेजी का लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, उनको ये खौफ होता है कि अगर उनसे कोई यहां कोई फ्रॉड होगा तो यहां उनको कोई तहफ्फुज नहीं मिलेगा, यहां अगर वो प्लॉट भी खरीदते हैं तो उनके ऊपर भी कब्जे हो जाते हैं। मैं जब बाहर जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, शौकत आनम के लिए, नमल के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तो मेरा जब उनसे मैं मिलता था, और आपसे नहीं 30 सालों से बात कर रहा हूं, हमेशा वो ये कहते थे कि हमारे प्लॉटों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं और वो केस फंस जाता है जाके अदालत में, और फिर वो आखिर में हमें वो कब्जा ग्रुप आगे कहता है अच्छा जी जो प्लॉट की कीमत थी 1000 रुपए, वो कहते जी 100 रुपया लो और जान छोड़ो। ये इतने पाकिस्तानियों से हुआ है, तो जब प्लॉट ही नहीं वो खरीद सकते इस मुल्क में और उनको खौफ है कि उसके ऊपर भी कब्जा हो जाएगा, तो सरमायाकारी कौन करेगा। तो हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो जिधर ये ले आए हैं पाकिस्तान को, जो हमें खड़ा कर दिया, दिवालिया निकाल दिया हमारा इन 7 महीने में, अब जो आगे आगे हमने मुल्क को जब उठाना होगा तो उसके लिए हमें अपने मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी। ये जो बड़े बड़े डाकू जो हर बारी चोरी करके और एनआरओ ले लेते हैं, ये किसी महजब माशरे में इसका तस्वर नहीं है कि इन्होंने कानून पास किया असेंबली से, और सारे जिन जिन के ऊपर केसेस थे नैब में वो बकायदा शिक्के हैं जिसमें बड़े बड़े डाकू बच रहे हैं, उसमें जरदारी किसी में बच रहा है, मरियम किसी में बच गई है, जो और इनके लोग फंसे हुए थे सब बच रहे हैं। 1100 अरब रुपया जो इस कौम को आना था वो सारा इन्होंने हजम कर लिया है कानून बदल के, अपने आप को फायदा, अपने आप को एनआरओ देके। तो जब ताकतवर चोरी करके भी नहीं पकड़ा जाए, कमजोर को तहफुज ना मिले, वो कौम आजाद नहीं होती, वो अपनी आजादी खो बैठती है। जिस तरह हजरत अली का कौल है कि वो निजाम नहीं चल सकता, और ये हमारा नहीं है, ये सारे गरीब मुल्कों का ये कहानी है। तो इसलिए ये दूसरी चीज है, ये हमारी जद्दोजहद चलेगी ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए, और ये चलती रहेगी, ये मार्च से आगे चलती जाएगी, ये तो तहरीक चलती जाएगी जब इंशाल्लाह जब तक हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद ना करें।
अब मैं दो तीन और आखिर में बातें करता हूं डेट, क्योंकि मैंने आपको अभी डेट देनी है कि हमने किस दिन इंशाल्लाह इस्लामाबाद सबने पहुंचना है, पिंडी पहुंचना है किस दिन, वो मैं आपको भी डेट देने लगा हूं। लेकिन मैं आज 7 महीने हो गए हैं हमारी गवर्नमेंट को हटाए, तो मैं आज अपनी जो ताकतवर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके पास ताकत है, जो इस मुल्क को किसी तरफ भी ले जा सकते हैं, पॉजिटिव भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव भी ले जा सकते हैं, तो मैं उनसे आज एक सवाल पूछता हूं। मेरा ये सवाल है, और क्योंकि मुझे इसका कोई जवाब आया नहीं अभी तक, कि ये लोग जो दो खानदान थे, जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया जब 99 में, तो दो दो दफा ये करप्शन में 90 की दिहाई में निकल चुके थे, और केसेस करप्शन के इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। नून लीग कहती थी पीपल्स पार्टी करप्ट है, पीपल्स नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहती थी जरदारी करप्ट है, जरदारी को जेल में नवाज शरीफ ने डाला, और फिर इन दोनों को मुशर्रफ ने हटा दिया और लोगों ने मिठाइयां बांटी और करप्शन पर हटाया। उसके बाद इन्हीं को जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, और उसके बाद इन्होंने 10 साल जो मुल्क से किया है 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा दिया, लोगों ने इनके गुस्से में मुझे वोट दी 2018 में। अब मेरा सवाल यह है कि वो क्या चीज थी कि एकदम 3.25 साल के अंदर यही लोग कि पता नहीं किस में नहा के आए कि ये एकदम ठीक हो गया एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसलत हो गए। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थे ना, जानते तो थे इनका माजी, क्या इनका माजी नहीं पता था? फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज के पास इनकी चोरी की, सब कुछ तो, क्योंकि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मुझे पता है कि सारी डिटेल्स आए हमारी एजेंसीज के पास पड़ी होती है कि इनकी चोरी इन्होंने कितनी की, तो वो तो सब पता था। तो वो क्या चीज हुई कि इनको फिर हमारे ऊपर मुसलत कर दिया? बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो। तो मेरा सवाल यह है कि अब 7 महीने के बाद कोई एक भी मुझे चीज बताएं कि इन्होंने मुल्क के अंदर बेहतरी की हो, मुझे एक चीज बता दें। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की इनके दौर में पब्लिश हुई, उसी इकोनॉमिक हमारे दौर में नहीं हुई, वो हर साल जो बताती है कि पाकिस्तान की मायशत के क्या हालात है, वो इनके दौर में पब्लिश होती है, और वो कहती है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान हमारी तहरीक इंसाफ के जो आखिरी 2 साल थे, 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी मायशत की इजाफा हुआ उसमें 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद कोरोना के बावजूद ये हमारी मायशत ऊपर आ रही थी। उसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि 50 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसमें असल में नौकरियां होती हैं, नौकरियां मिलती हैं, जिसमें दौलत में इजाफा होता है, वो होती है जब इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है, तो 26 से 27% हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के, मुझे टेक्सटाइल वालों ने कहा कि जनाब हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, या मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है। तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा भेजा, तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आमदनी टैक्स कलेक्शन बढ़ी, और तारीख में 4 फसलें जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज करके चीजें दी, उन्होंने अपनी 4.5% हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी हमारी इजाफा हुआ ज़राअत में, जो 17 साल के बाद था। तो जब मुल्क आगे बढ़ रहा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया, दुनिया ने माना कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में,
दुनिया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा तीन मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार दो साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में, क्राइसिस जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क्यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों के ऊपर बैठा दिया। अच्छा चलो मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलत फहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है, लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार जो दो दफा 99 में भी इकॉनमी बैंकक्रप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकॉनमी बैंकक्रप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने। आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं, उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, यानी उनका इतमाद चला गया इस हुकूमत पे। बैरून मुल्क जो कि रिस्क असेसमेंट होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकता है या नहीं, वो 85% आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ना बाहर के लोगों को इस पर इतमाद रह गया, ना अंदर किसी को इतमाद है इन पर, अपनी बिजनेस को भी नहीं है। और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि 53% दहशतगर्दी बढ़ गई है 7 महीनों में, तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का। ये तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे, ये तो हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की, ताकि किसी तरह ये हमें मुझे डिस्क्वालीफाई के इलेक्शन जीत जाए, इनका तो और कोई काम ही नहीं। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं, इनका तो स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, ये जो नवाज शरीफ का तो सारा टब्बर बाहर चला गया। तो मैं ये पूछता हूं कि अपनी एस्टैब्लिशमेंट से कि आपने आज मुझे ये बता दें कि मुझे पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है, 7 महीने में ये रिजीम चेंज से इस मुल्क को फायदा क्या हुआ है। मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों से पूछे, जाए किसानों से पूछेंगे क्या हालात है उनके आज, इंडस्ट्री से पूछे, आज नौजवानों से पूछे, आईटी सेक्टर से पूछे, जो 75% एक्सपोर्ट्स हमारे दौरान बढ़ी थी आईटी की, जो फ्यूचर है मुल्क का, मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से। आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे, वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आए। सो मैं सिर्फ फिर यह सवाल पूछता हूं कि कुछ तो जहनों में से गुजरी होगी कि जनाब हम इनको चोरों को वापस आने दें, कुछ तो सोचा होगा कि ये कोई फायदा कराएंगे पाकिस्तान को। और मैं हैरत ये है कि 30 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, और हमारी अपनी एस्टैब्लिशमेंट ने बार बार इनको करप्ट कहा है, अपनी एस्टैब्लिशमेंट ने दो दो दफा निकाला है इनको 90 की दिहाई में, जब ये इनकी करप्शन की वजह से। तो मैं अभी भी मैं हैरान हूं कि कोई भी, शायद मुझे इसका पता चल जाए कि कोई वजह हो या उनको कोई नजर आई हो चीज कि जो इनमें कोई सिफ्त हो, वो शायद मुझे ना नजर आ रही हो। लेकिन मैं आखिर में आज अपने सारे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं। देखें, ये जो वक्त है इसके अंदर आप सारी कौम को मैं कह रहा हूं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप अगर आज न्यूट्रल हो गए, आपके बच्चे पछताएंगे, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी कि आप, जब आपको अमर बिल मारूफ पर चलना चाहिए था, जब आपको नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करनी चाहिए थी, और आप घरों में बैठ गए। इमरान खान को मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपनी जान खतरे में डाल के बाहर निकलूं, जब मुझे पता था उसके बावजूद, और जब मुझे आगे भी पता है। लेकिन ये मैं बचपन से मेरे जहन में यह था कि मैं कभी गुलामी से बेहतर मर जाना है। यह गुलामी है यह जो हो रहा है। मैं अपना FIR नहीं रजिस्टर करवा सका एक्स प्राइम मिनिस्टर, मुझे पता है किसने यह सारी साजिश की थी, मुझे वो तीनों का पता है इन्होंने मिलकर की थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो सोच लें
कि आप में से कि आप आवाम में आपके पास क्या हकूक है, आपके पास आपसे अगर ताकतवर जुल्म करता है आप क्या कर सकते हैं। इंसान और भेड़ बकरियों में फर्क है, इंसानों के हकूक होते हैं। भेड़ बकरियों को डंडे मार के जिधर मर्जी आज कह दें कि ये चोर हैं तो कल कह दें कि ये पाक हो गए हैं तो वो उधर ही चलेंगे। इंसानों के हकूक है, इंसान जब तक अपने हकूक और आजादी, जब तक उसके लिए राय हक के लिए नहीं खड़ा होता, इंसानी माशरा जानवरी माशरा बन जाता है, जानवरों का माशरे में जंगल का कानून आ जाता है, जो इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान में है। हमारी कोशिशें हो रही हैं, देखें वो सेनेटर्स निकले हुए हैं, वकील निकले हुए हैं कि सारी दुनिया के सामने आजम स्वाति से हुआ, लेकिन वो बेबस है। उसकी वालदा अरशद शरीफ शहीद की, वो उन्होंने कमीशन बना दिया, वालदा कहती मुझे इत्माद ही नहीं है। तो जिन्होंने जो चाहते हैं इंसाफ, अगर उनको कमीशन पे इत्माद नहीं है तो कैसे इंसाफ मिलेगा। और मेरे ऊपर जो ये जो एफआईआर हुई, जो एफआईआर पुलिस ने दी है, वो एफआईआर क्या, वो मजाक है। वो एक आदमी के ऊपर उन्हें एफआईआर काट दिए, तो हमें तो सबको पता है कि दूसरी तरफ से सामने से गोलियां आई हैं, दो मारने वाले थे, तो उन्होंने तो वही केस बना दिया कि जनाब ये जो ये चाहते हैं, स्क्रिप्ट क्या थी कि जी दीनी इंतहा पसंद नहीं, अकेला था। अच्छा वो भी इतना बेवकूफ है, जिन्होंने उसको पढ़ाया उस तोते को, वो भी इतने बेवकूफ थे, वो पहली चीज कहता कि जी मैं अकेला था। कि लोगों, यानी अगर किसी को शक भी था ना कि साजिश हुई, तो उसने पूरी कर दी कि हां जी मैं अकेला था, कहीं वो शक ना पड़ जाए कि जो दूसरा जो सामने वाला था, और असल वो ना कहीं उसकी तलाश ना शुरू हो जाए। तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, मैं फिर से कहता हूं मेरी कौम, आपको यहां इंसाफ नहीं मिलने लगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा। और ये जो मैं अब आपको डेट देने लगा हूं, मैं अपनी सारी पहले तो पार्टी को भी सारों को कहूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगले हफ्ते 26 नवंबर को आपने सबने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। तो मैं ये चाहता हूं क्या हूं, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं अब कह रहा, मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि देखें, जो आप अगर आपका ख्याल है कि तब्दीली आ जाएगी और आप घर बैठे रहेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। अल्लाह का फरमान है कि मैं कभी, कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये वक्त है, मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को, 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लायमल दूंगा, ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लायमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ ले, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है आप इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। कोई पूछे तो सही कि आपका रोड मैप क्या है, मुल्क जो तेजी से नीचे जा रहा है, जो बाहर की दुनिया अब सारा इत्माद खो बैठी है, कौन सा रोड मैप है आपके पास? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 7 महीने में जो रोड मैप नजर आया वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने का है। सो लिहाजा सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन, और हम अपनी हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की उसके बाद भी, जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जो जिसमें हर इंसान के हकूक हों,
जिधर थाना कचहरी पटवारी की सियासत ना हो, क्योंकि वो हकूक उनको आजाद कर दें लोगों को। क्यों नहीं बरतानिया के अंदर थाना कचहरी होती? क्यों कचहरियों में जुल्मान नहीं होता? क्यों पटवारी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती वहां? क्योंकि वहां हकूक है इंसानों के, वो आजाद लोग हैं, वो इंसाफ है। उसके लिए मैं चाहता हूं सारी कौम मिलकर हमारे साथ जद्दोजहद करे, और इंशाल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी।